व्यवस्था किसी को ध्यान ही नहीं है भाई, तुम दिख नहीं रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और गाइस, आज है छुट्टवानी का जन्मदिन, तो अब हो रही है तैयारी। राम सिंह भैया लग रहे हैं तैयारी करने में, और मैं राम सिंह भैया गए थे सामान लेने, तो भाई बहुत ज़्यादा थक गए हम तो दोनों ही। बहुत ज़्यादा धूप है आज। ए उलट गए सुहानी, उलट गई भाई, रुक जा मैं कर दूँ सही। अरे भाई ये लो सुहानी, खाए सोनी, माँ बाप खाती डोल रही है। देखो ये सोनी क्या कर रही है बेटा, माँ बाप खा रही हूँ यार, हम गुद्दे थोड़ा सा कहते पूछे ही कुनी हैं। चुटकी दे दीजिए हैं, बुआ जी को नहीं दिया क्या? तो गाइस ये देखो राम सिंह भैया इंग्लिश सही है क्या? इस बलिंग सही है क्या? बट आ गए, खा गए हो बैठते हो खाने के ये यहाँ पर नहीं बा, आगे को खाए एक और करो तो इसको सही। अरे कोई पढ़ लिया जाओ, करता करता है भाई, तो बदलो ना मासूई आई डिजाइन बना रहा है। भाई तो अभी तो बर्थडे का मतलब काफी टाइम है, और ये अभी से खेलने लग गए, उछल कूद अभी से करने लग गए, पता नहीं शाम को तो क्या करने वाले। देखो राम सिंह भैया है हो, और मैं भी खूब खेल रही थी तब से। इसका फूट गया, सुहानी का फूट गया, सुहानी डर गई। देखो भाई ये हवा निकल रही क्या इसमें? देवा देवा खा बैठा देवा। अरे बूबी, तो गाइस आज इसका जन्मदिन है, इस बच्ची का जन्मदिन है, तैयार हो रही है अभी। अरे तैयार तो ले बर्थडे आड़ी लगा दी ना। हवाल बजा रहा हूँ, एक्सपोज तो कर दू कौन कौन है। तो बहुत से लोगों को क्या है यार। और गाइस ये देख लो, तीन जगह चून लगा रखा ना, तो तीन लोथड़े बड़े वाले चून के लगा लिए हमने, और थोड़े मतलब केक वेक कटने के बाद में हम सोच रहे हैं उसके बाद में हम खाना बनाएंगे, तो बस आटा लगा के रख दिया है। और भैया मेरी हालत देख ही सकते हो, और छुटकी को बिल्कुल रानी बना के तैयार कर दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। और भाई पता नहीं कानू इतना तेज तेज क्यों रो रहा है, तो उसको भी देखते हैं कि वो क्यों रो रहा है। और यहाँ हमने पहले तैयारी कर दी थी बलून वगैरह, आंटी जी बोल रही है भाई लाइट बुझा दो, तो लाइट बुझाएंगे तो भाई ब्लॉग इतने अच्छे से नहीं बन पाएगा क्योंकि रात का टाइम। अरे यार सुनो क्या कह रहा हो भाई, तेने तो उल्टी सी कर ली यार, मोबाइल के मार के रो रहा है यार, इतना नहीं रो मोबाइल मार, नहीं रो मोबाइल के बदले रो मोबाइल। मेकअप चल रहा है, मम्मी की हालत देखो कैसी हो रही है। मम्मी
अरे बेटा आपके पास है इसको काट काट मत निकल काट मत निकल दिखा उसको कितना अच्छा लग रहा है वैसे अच्छे लग रहे हो तो आप देखो बहुत अच्छे लग रहे हो तो रानी लग रहे हो रानी क्वीन लग रहे हो मान सिंह भैया मान सिंह भैया थोड़ा देखिए हेलो कीजिए हंसिए नहीं हेलो कीजिए वो तो नहीं हेलो कहीं लोग लोग तो लोग ही चल लोग ही चल रहा है और भाई सुहानी को तो केक और पसंद नहीं है देखते हैं ये खाती है कि नहीं खाती है क्या करती है इसका भी देखते हैं भाई तो मैंने इसको केक खिला दिया भाई मेरे हाथ से थोड़ा सा केक खा लिया इसने और अब चल रही है फोटोग्राफी और सुहानी बिल्कुल रूठ चुकी है किसी के हाथ से केक नहीं तो भाई अब आ रही है सुहानी के गिफ्ट की तो अब आ रहे हैं भाई सुहानी के लिए गिफ्ट तो सबसे पहले लेके आ रही हैं भाभी तो उनका बहुत प्यारा गिफ्ट है सुहानी के लिए तो देखते हैं वो क्या लेके आई है भाई आपको भी दिखाते साथ में तो वो लेके आई है सुहानी के लिए प्यारा सा फ्रॉक क्या लेके आई सुहानी प्यारा सा फ्रॉक फ्रॉक और जो सुहानी के पापा के साथ में पटवा रही है ना तो उन्होंने गिफ्ट दिया हाँ बेटा ऐसे मुझे अच्छी वाली गिफ्ट चाहिए ना तो दे रहे सभी चाची ने दिए मम्मी बरूची हाँ बरूची ये मामा जी ने दे दिया 500 रुपया हाँ मम्मी तो गाइस ये है मेरा भैया और भैया के साथ मैं कर लेती हूँ फोटो तो एक आध फोटो ले लेते हैं भैया हम पहले तो तरुण से बोल दी मैंने चुप रहे सुहानी क्या है सब दिन पड़ 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 करती रहती है समझ चुप चुप तो ये देखो चुटकी आ गई है और अभी भाभी आ गई है भाभी के साथ में फोटो लेंगे तो आदित्य ये मेरा भतीजा आदित्य मेरा भतीजा आदित्य जो भाभी के मतलब बगल में खड़ा हुआ है ना ये वाला भाई बच्चों ने खूब मस्ती किया लेकिन है ना सुहानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई केक से किसी का भी केक इसने नहीं खाया और अब राम सिंह भैया दे रहे इसको बलून तो बलून भी नहीं ले रही बिल्कुल फोटो भी ऐसी खिंचा रही रोई रोई सी हो रही है बिल्कुल फोटो भी नहीं खिंचा रही देखो कैसी हो रही है रोम रट्टी सी ओह छोटू को खिंचाना है फोटो है छोटा हाँ ओ यार आपको तो किसी ने लिया ही नहीं है तो देखो पापा ने ले लिया और गाइस अभी तो फोटो शूट हो रहे हैं और हमें मतलब फोटो शूट करते करते सोच रहे हैं कि खाना बनाएंगे तो जल्दी जल्दी से ये काम हो जाए तो फिर खाना बनाएंगे और राम सिंह भैया का गिफ्ट ये तो सबसे पीछे रहते हैं सारा काम इन्होंने किया सबसे पीछे ये रह रहे हैं तो इनका गिफ्ट आ गया है और पता नहीं क्या लेके आए हैं ये तो देखेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे तब बताएंगे आप लोगों को ओके तो भाई क्या कर रहा है अभी राम सिंह भैया चलाएंगे गाना तो डांस करने वाले बलून फोड़ेंगे ये सारे तो राम सिंह भैया उठा रहे हैं देखो सारे बलून अभी बच्चे इतने लेके भागेंगे इनको मज़ा आने वाला सबको रीना भाई चल रहा रोटी रोटी बनाने में किसी को हलवाई की जरूरत हो तो संपर्क कर लेना चले नमक रोटी दीजिए भाई ले चलो मानसी भैया सब रोटी बढ़ावे
सब रोटी बनाने में व्यस्त है, किसी को ध्यान ही नहीं है। बेइज्जती तुम दिख नहीं रहे, रोटी बनाते तुम तो पैसे कटे ऐसे दिख रहे। ये रे इसको तो करनी है पढ़ाई, इसको खाना टमाटर। तेरे को क्या करनी है बेटा? नोट दियो, नोट दियो, एक रुपया को दियो, दो रुपया को, दो रुपया को नोट तो बंद होगा बेबी। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, टमाटर से लड़ाई चल रही है, भयंकर स्ट्राइक चल रही है टमाटर से, भयंकर दुश्मनी इस लड़की की। जो टमाटर का क्या हल कर दिया इसने, इतनी दुश्मनी। कानो का रहा उत्तरी को, ब्लॉगर को, ब्लॉगर कानो का रहा है, कड़ाई धरी है तो टमाटर फैल रहा है, नमकीन फैल रही है। एक प्लेट पहले पड़ी, एक या पड़ी। क्या हो गया बहन जी, हो ऐसा क्यों पड़े हुए हो? और इसको ढाको ना फ्रॉक को, देखो कैसी उल्टी हुई है। फ्रॉक को ठीक करो, ठीक करो ना आपकी फ्रॉक को, करो बेटा। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। देख दे पाड़ी है, इस वजह से दे रही है वो। गाइस हम जा रहे हैं, हम दिखाने आप लोगों को जो सोहानी के गिफ्ट आए थे ना बर्थडे पे, वो दिखाने वाले। तो भाई ये दिया था राम सिंह भैया ने, ये वाली है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो लेके आ भाई बाहर, एक गुड्डा है, बाहर से फोटो को देख के लग रहा है इसमें गुड्डी है, गुड्डा है नहीं, इसमें कुछ और है दिख रहा है। हाँ तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो राम सिंह भैया कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, ये आ गई भाई सवानी की पढ़ाई की चीज। वाह कितना सुंदर गिफ्ट है भाई राम सिंह भैया का, ये देखो आप देख। ये स्टडी, स्टडी करेगी सवानी, पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई की चीज लेके आए, रोटी खाया पर कुछ भी कर सकती है। और छुटकी और सवानी दोनों छन गई भाई इसके ऊपर, मल्टीपर्पज है बेटा, मल्टीपर्पज कुछ भी कर। और पहले वाली होती ना वो तो ये टूट जाती, दोनों बैठती चेंज करा दी। हाँ और गाइस ये डॉल है ना, प्यारी सी डॉल, कश्मीरी लड़की जिसकी चोटी मैंने बना रखी है, ये प्यारी सी पैकेजिंग में आई थी, जो मैंने पैकेजिंग हटा दिया है और ये मैंने चोटी की है इसकी। तो हेलो हेलो हेलो, प्यारी सी डॉल है और सारा मेकअप कर रखा है इसने, ये डॉल ने लिपस्टिक वगैरह लगा रखी है और कश्मीरी लड़की की तरह यहाँ पे टोपी लगा रखी है इसने। हाँ बैठ सकती है, उठ सकती है, चल सकती है, इसको बैठाओ। ये डॉल, गंजी डॉल, गंजी डॉल। ड्रेस ये है सवानी की, ये मतलब राजस्थानी ड्रेस है। तो सवानी को तो नहीं खुलने वाली है क्योंकि सवानी पतली है, थोड़े मोटे हेल्थी बच्चे रहते हैं ना उनको ज्यादा प्यारी लगती है वाली ड्रेस।
तो ये ऊपर का स्कर्ट है, हाँ ब्लाउज, और उसको पहनना भी है, पहना के देख लेंगे। ओके पहना के देखेंगे अभी आपको। और ये है स्कर्ट है 52 गज का, तो ये इसके स्कूल में काम आ सकती है वाली ड्रेस, या फिर वैसे यहाँ जो ड्रेस दी थी ना वो क्या सुहानी की थोड़ी बड़ी रही थी भाई, तो हमने कानू आया था तो कानू को दे दिया, वो कानू को अपने कर दिया, वो थोड़ी बड़ी थी लूज भी थी, तो सुहानी के तो नहीं आती। पहना के दिखा दो, तो ये वाली खोलो, आपने पहन रखा ये वाला खोलो, फिर आपको पहना के दिखाते हैं। ओके तो गाइस थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, सुहानी बोल रही है ड्रेस पहना के देखो, तो देखते हैं कि कैसी लगती है बंजारे लुक में ये। और ये तो बाढ़ सूखने का काम ही है, तो बाढ़ सूखने से पहले कुछ भी काम नहीं करते। अभी मैं नहाई हूँ, 2 बज गए हैं, और देखो अभी तक मैंने कोई बार बार नहीं सूते, ना ही मतलब कुछ भी नहीं। और ये कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है इस ड्रेस में, ये कैसी लग रही है? कैसी लग रही है भैया, एक बार डांस करके बताओ, डांस करके बताओ, एक बार डांस कर, वैसे ही वैसे ही वैसे ही। ओ इसको गुस्सा आ रहा है कि उसको तो नए कपड़े पहना दिए और मेरे को कुछ नहीं, तो पीट रही है उसको, है बड़ी चालाक है तू, है अरे गेबी, ये गेबी को देख, अरे और नहीं तो पत्थर ही दे ले, पत्थर पे ही बस चल रहा तेरा, देख देख अब बेटा बेटा पाने तो नया कपड़ा पहन लिया, तो वो तो कच्ची गुन पहन आयो। ओए ओए कमेंट करके जरूर बताना कि सुहानी इस ड्रेस में कैसी लगी भाई, मेरे को बिल्कुल वुडन कटोला सबको सब के जा रहे हैं, ये देख वुडन कटोला सी लग रही है ऐसी ड्रेस है इसकी, सुहानी सी बैठ पर रही, मतलब ड्रेस सही है लेकिन ना इसकी ढीली बहुत है, ये दुबली पतली है ना, इस वजह से क्या करा है वो, थोड़े बड़े हैं ये तो, थोड़ी मोटी हेल्थी वगैरह होगी तो अच्छी लगेगी। कॉम्बो हो गया टेबल और कपड़े, वो हम तो बिल